हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खेल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैंसी के बारे में और आपको बताएंगे कि फैंसी क्रिकेट में आपको विकेट नॉट या फॉल ऑफ विकेट कैसे खेलना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज का हमारा फैंसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है विकेट नॉट या प्लेयर्स नॉट क्या होता है और आपको विकेट नॉट कैसे खेलना है, क्योंकि विकेट नॉट में पंटर बहुत पैसे बना सकते हैं, बट मैक्सिमम पंटर्स को इस टॉपिक की बहुत कम नॉलेज होती है और इसलिए पंटर्स का इसमें लॉस भी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे विकेट नॉट से आपको प्रॉफिट कैसे कमाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट नॉट की। विकेट नॉट जो है वो भी फैंसी में ही आता है। इसमें हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि फर्स्ट विकेट या सेकंड विकेट जो है और उसके सामने जो स्कोर दिया गया है वो स्कोर बनेगा या नहीं बनेगा, या उससे पहले ही विकेट गिर जाएगा। आसान लैंग्वेज में बताऊं मेरे भाई, तो जैसे यहाँ लिखा है फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट और इसके आगे एक स्कोर दिया गया है, आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि फर्स्ट विकेट गिरने से पहले इतना स्कोर बनेगा या नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि पिच जो है बॉलिंग फ्रेंडली है और पहले ही ओवर में विकेट जो है गिर जाएंगे, तो बहुत सी कॉमन बात है जो यहाँ पर स्कोर दिए गए हैं वो स्कोर नहीं बनेंगे और पहली विकेट गिर जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नॉट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपको बैक और लेक ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा और रेट इसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है, यानी 1000 लगाओगे तो आपको यस करने पर 1100 रुपए मिल जाएंगे और उस साइड से अगर 1000 लगाओगे तो आपको 900 ही मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ पंटर यहाँ अपना पैसा हार जाते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनको पैसा किस साइड लगाना है। जैसे जब पंटर को लगता है कि विकेट जाएगा तो पंटर क्या करता है, वहाँ पर यस कर देता है और मान लो विकेट चली भी जाती है, बट उसके बाद भी पंटर के पैसे जो है वो प्लस की जगह माइनस हो जाते हैं, जो मैंने पहले समझाया था। अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसे माइनस कैसे हुए, क्योंकि मेरे भाई उसने गलत बैट लगाई है। अब ध्यान से समझ लो, अगर आपको लगे कि विकेट जाएगा तो आपको यस नहीं करना है, आपको नॉट करना है या आपको नो करना है, और कोई भी विकेट जाने पर आपका अमाउंट प्लस हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि विकेट नहीं जाएगा तो आपको यस करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बुकी आपसे ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट या सेकेंड विकेट है उनमें टीम सामने दिए गए स्कोर को बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, तो यहाँ पर आपको स्कोर के लिए यस और नो करना है। फॉर एग्जाम्पल, बुकी ने यहाँ दिया है फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट और आगे लिखा है कैन और स्कोर दे रखा है 35-35 दोनों तरफ, तो यहाँ अगर आपको लगता है कि 35 का स्कोर बनने से पहले ही विकेट चला जाएगा तो आपको नो करना है, और अगर आपको लगता है कि 35 का स्कोर जो है ओपनर बना देंगे, विकेट नहीं गिरेगा, तो आपको यस करना है। अब आगे आप देख सकते हैं इसमें प्लेयर्स का नाम लिखा है और आगे स्कोर दिया गया है, तो बुकी आपसे पूछ रहा है कि ये प्लेयर जो है ये इतने रन बनाने से पहले आउट हो जाएगा या नहीं हो, तो अगर आपको लगता है कि प्लेयर आउट हो जाएगा तो आपको नो करना है कि इससे इतने रन नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि जो सी बॉक्स प्लेयर है वो आज 50 रन बनाकर जाएगा ही जाएगा, मतलब वो एक अच्छी फॉर्म में है और वो 50 रन से ज्यादा रन बनाकर जाएगा, तो मेरे दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यस करना है और आपका अमाउंट डालकर आपको सबमिट कर देना है, और अगर ये प्लेयर आउट नहीं होता है तो हम ये बैट जीत जाएंगे, और मान लो अगर ये प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है तो हम अपनी बैट हार जाएंगे, जितना पैसा हमने लगाया था उतना हमारा लॉस हो जाएगा। आप इस बात पर भी बैट खेल सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कितनी बाउंड्रीज लगाकर आउट होगा, सभी बैट में सेम ही मेथड जो है वो अप्लाई होता है। अब आपको बता देता हूँ बेस्ट टिप मेरे दोस्तों, आपको पिच रिपोर्ट को रीड करना है कि पिच बॉलर्स को फेवर करेगी या बैट्समैन को। पिच रिपोर्ट रीड करना नहीं आता तो हमारे चैनल पर आपको पिच रिपोर्ट की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और आपको देखना है कौन सा बैट्समैन फॉर्म में है और कौन सा बॉलर जो है वो फॉर्म में है। इन सब चीजों को कंसीडर करके आप बैट 100% जो है जीत सकते हो। अगर आप इन सब चीजों को एनालाइज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम आपको मैच से पहले सब कुछ टेलीग्राम पर बताते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही न्यू वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।